नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। रुक करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड पहुंचे और बैठक में सम्मिलित हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आगामी 10 जनवरी से गांधी पार्क रुद्रपुर में आयोजित होने वाले सरस मेले की तैयारियों को लेकर किया गया औचक निरीक्षण। मेले का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसको देखते हुए विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, जिलाधिकारी, सीओ और रुद्रपुर विधायक द्वारा गांधी पार्क में पहुंचकर निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम 10 तारीख को रखा गया है और उद्देश्य यही है, शासन का भी सरकार का भी, कि मातृशक्ति को जैसे विभिन्न स्तरों पर, चाहे भारत सरकार के स्तर पर हो चाहे स्टेट लेवल पर, तो उनको जो सम्मान दिया गया है वो तो उसी की कड़ी में एक बृहद कार्यक्रम इस जनपद में भी आयोजित किया जा रहा है। और 10 तारीख को नारी शक्ति बंधन के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने की सहमति दी है। इस जनपद के हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किए जाने के लिए बड़ा उत्साह दिखाया है और अपनी सहभागिता भी दी है। तो मुझे उम्मीद है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, सारी तैयारियां चल रही हैं और नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम बहुत ही भव्य और बेहतर तरीके से होगा। मोटिवेशन मिलेगा महिलाओं को, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको आत्मनिर्भर बनने की दिशा में। एक 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद अब रामलला के आगमन को लेकर जहां एक तरफ सत्ता दल बीजेपी जोरों शोरों से तैयारियों में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति करना सरासर गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम संत और भक्तों के हैं और इन लोगों को ही कार्यक्रमों की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन राजनीति के जरिए हस्तक्षेप होना शंकराचार्यों के मुताबिक भी जायज नहीं है। हाना कि राम मंदिर का जो है या राम जी के नाम का जो है, कोई अगर राजनीतिकरण कर रहा है, कोई राजनीतिक दल अगर उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है, तो ये तो गलत है। क्योंकि भगवान संतों के हैं और भक्तों के हैं, तो भक्तों को और संतों को जो है सारा कार्यक्रम तय करने देना चाहिए था। इसमें जो राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है उसमें तो शंकराचार्य जो अपनी आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, जो अपने सुझाव दे रहे हैं, अगर कोई राजनीतिक हठधर्मिता के चलते अगर उसको नहीं मान रहा है और अगर हठधर्मिता के या किसी संकीर्ण मानसिकता के चलते अगर निमंत्रण विपक्ष को नहीं दिए जा रहे हैं, तो आप समझिए ना कि इस पे तो उसी राजनीतिक दल को सोचना है, उन्हीं लोगों को सोचना है जो मनमानी कर रहे हैं, उसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। भक्त की तो जब श्रद्धा होगी और भगवान जब बुलाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा निकाली गई विशाल पद यात्रा पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश जोशी का कहना है कि हरीश रावत पर तरस आता है, क्योंकि जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए दो जगह से चुनाव हारने का रिकॉर्ड कायम किया हो और जो व्यक्ति अपनी पार्टी के अंदर भी प्रासंगिक नहीं है, उनके कार्यों से जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता उनके चरित्र को जानती है और वह जनता की नजरों में आने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिसका जनता पर कोई असर नहीं होगा। राज्य पर तरस भी आता है, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए दो दो जगह से हारने का रिकॉर्ड कायम किया हो, जो अपनी पार्टी के अंदर भी प्रासंगिक नहीं है, उनकी पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, जो सिर्फ मात्र चर्चाओं माने के लिए कभी चकोतरा पार्टी करते हैं, कभी काफल पार्टी करते हैं, कभी खीरा पार्टी करते हैं कि मीडिया में आ जाएं, लेकिन जनता उनके चरित्र को जानती है, कांग्रेस के चरित्र को जानती है, उनके बहकावे में आने वाली नहीं है और आने वाला।
वहीं प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और राज्य सरकार में रिक्त पड़े पदों को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आ रही है, जिसके चलते राजधानी देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आह्वान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डिस्पेंसरी रोड से गांधी पार्क तक विशाल पद यात्रा निकाली। इस दौरान करण महारा संग पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नेथानी और अन्य कांग्रेस जनों ने धामी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता मानव डोभाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अध्यक्ष जी, आज यहाँ पर आपने महारैली निकाली है बेरोजगारी को लेकर, रिक्त पड़े पदों को लेकर जो राज्य सरकार में है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, उत्तराखंड का भी पूरे देश का भी। डबल इंजन की सरकार ने ये वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रति एक वर्ष देंगे। 10 वर्ष उनकी सरकार को हो गए, 20 करोड़ लोगों का रोजगार लगना चाहिए था। लेकिन अगर आप अपने अड़ोस में पड़ोस में देखें तो बेरोजगार बेटे और बेटियां घरों में हैं और बेरोजगारी बढ़ी है। जो छोटे वेंडर्स थे इनके नोटबंदी के बाद वो उनके कारोबार बंद हो गए, तो उनके यहाँ काम करने वाले 30 मजदूर 40 मजदूर बेरोजगार हुए हैं। सरकारी नौकरियों का हाल लिया कि आज उत्तराखंड में अकेले 60 से 70 हज़ार पद खाली पड़े हैं। बैकलॉग अभी तक वैसी है, उसको नहीं भरा गया है और बहुत सारे कारण हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अग्निवीर योजना ने खाज में कोड़ का काम किया है और जो नौजवान हमारे फौज में जाते थे उनके सपने चकनाचूर में हैं। कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का एक घर है और हमारे यहाँ अब भर्तियाँ नहीं होने से एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिससे पलायन भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही SSSC भर्ती घोटाला हुआ, जिसमें BJP का जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह मुख्य आरोपी और पटवारी पेपर लीक में इनका मंडल अध्यक्ष जो मंगलौर का था, हरिद्वार क्षेत्र का, वो पकड़ा गया है। तो यहाँ हालात बहुत बेकाबू हैं। जब नौजवान नवयुवतियाँ आंदोलन करते हैं कि स्वच्छ एक साफ़ सुथरी व्यवस्था चाहिए ताकि नकल ना हो सके, तो सरकार उन पर लाठीचार्ज करती है और 307 जैसा संगीन मुकदमे उन पर दर्ज करने की कोशिश करती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय कोर्ट का, जिसने 307 लगाने से इनकार किया। हालात बद से बदतर हैं, दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही। धन्यवाद देना चाहिए लोगों को कांग्रेस की उस सरकार का, जिसने पुरानी जो पेंशन व्यवस्था थी उसको लागू किया था और आज क्योंकि कई घर में बुजुर्ग ऐसे जिनकी पेंशन आ रही है उससे उनका घर चल रहा है, बेरोजगार बच्चे भी पल रहे हैं। लेकिन आने वाला समय बहुत ही भयानक होगा क्योंकि पुरानी पेंशन को BJP ने बंद कर दिया, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद, और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। घर में बेरोजगार बच्चे हों और माँ बाप की पेंशन भी ना आए तो उस घर के क्या हालात होंगे, समझा जा सकता है। बड़ा ही भयानक मंजर आने वाले समय में देखने को मिलेगा और इसी चीज़ को देखते हुए आज की ये रैली हमने आहूत की थी। उसमें सभी वरिष्ठ जन और आदरणीय रावत जी, गोविंद सिंह कुंजवाल जी, मंत्री प्रताप नेथानी जी, हीरा सिंह बेज जी, सुरवीर सिंह सजवान जी जैसे सभी वरिष्ठ जन उसमें शामिल थे। अध्यक्ष जी, इसके साथ अभी जैसे बीते दिन राजधानी दिल्ली में आप कांग्रेस के सभी मुख्य नेताओं की बैठक हुई थी, किस तरह के निष्कर्ष उसमें निकले हैं, आगे चलकर किस तरह की तैयारी की जा रही है इसमें? ये चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे वो खिलाड़ियों का अपमान हो, चाहे 700 किसानों की मृत्यु और 5 किसानों को गाड़ी से मंत्री पुत्र के द्वारा कुचला जाना हो, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस, केदारनाथ में सोने की चोरी, ऐसे अनेकों मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है 14 तारीख से, जिसको राहुल गांधी जी लीड करेंगे और उसको लेकर चर्चा थी, उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा थी। साथ में जो हमारे 2024 के चुनाव हैं, उस चुनाव में हमको किस तरीके से काम करना है, संगठनात्मक रूप से क्या आवश्यक है, किन क्या हमारी कमियां हैं, क्या हमारी ताकत है, उन सभी विषयों पर वहाँ चर्चा। बात करने के बाद धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, जिनका कहना है कि एक तरफ भाजपा जहाँ अयोध्या में रामलला के सिधारने को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है जब यहाँ पर जितने भी ध्वजवाहक हैं, यानी कि उन लोगों ने अपनी तरफ से इस पर विरोध जताया है और यहाँ पर जहाँ बेरोजगारों को लेकर यहाँ पर लगातार विपक्ष यहाँ पर निशाना साधे जा रहा है सरकार पर। अब देखना यह है कि आगे चलकर इस तरह के ये महारैलियाँ किस तरह आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में किस तरह के बदलाव लाने को देखने को मिलते हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन। उत्तराखंड BJP के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राजधानी देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा निकाली गई पदयात्रा पर कटाक्ष किया है। BJP प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की पदयात्रा का नाम ही सांकेतिक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा वहीं हो चुकी है और हरीश रावत नौटंकी कर रहे हैं।
आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेरोजगारी को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राजधानी देहरादून में सांकेतिक रूप से पदयात्रा निकाली है। देखिए हरीश रावत जी की पदयात्रा का नाम ही सांकेतिक है और सांकेतिक का कोई अर्थ होता नहीं। कांग्रेस आज मुद्दाहीन हो चुकी है और इस प्रकार के विषयों को लेकर अनर्गल रूप से समाज में भ्रांतियां खड़ा करना चाहती है। जनता ने जवाब दिया है, जनता जवाब देगी और उत्तराखंड की 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी अपने जनाधार के लिए। हरीश रावत जी, प्रदेश में बीते साल की अगर बात करें तो जिस स्तर से बारिश और बर्फबारी होनी चाहिए थी वह देखने को नहीं मिली। ऐसे में बारिश और बर्फबारी ना होने से इसका सीधा असर फसलों व बागवानी पर भी देखने को मिल रहा है। जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले साल यानी 2023 में बारिश सामान्य से बहुत कम दर्ज की गई है, चाहे मैदानी इलाके की बात करें या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की। हालांकि मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश व बर्फबारी बीते साल जरूर कुछ जिलों में देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए थी वह मापदंड बिल्कुल पूरा नहीं हो पाया है। चाहे प्री मानसून सीजन की बात करें या फिर पोस्ट मानसून सीजन की बात करें, बारिश का स्तर सामान्य से बहुत ही कम देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि साल 2024 में शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम का मिजाज अब भी जस या तस बना हुआ है, यानी बारिश और बर्फबारी का कोई आंकलन अब तक दर्ज नहीं किया गया है। बिल्कुल, देखिए जो अभी सीजन आपका रहा है जिसमें कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा रहता है 2023 का, तो उसमें देखिए जो 31 दिसंबर तक जो रेनफॉल एक्टिविटी थी तो ओवरऑल हमारी जो है वो डेफिशिएंट रही है। और चाहे मंथ वाइज भी बात करें, आपका जो है अक्टूबर में भी कम था, -35% ही था, फिर नवंबर में देखें तो उसमें भी जो है -66% था और दिसंबर में ये करीब जो है -75% रहा था। अगर पूरे सीजन की बात करें तो वो भी -52% करीब हो रहा है, 26.6 mm करीब हमको रेन मिली है, जबकि नॉर्मल हमारा 55 mm है। तो उसी लिहाज से देखेंगे तो बिल्कुल जो पोस्ट मानसून सीजन है, हालांकि ये अगर और सीजन से आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो सबसे कम रेनफॉल एक्टिविटी है या फिर हायर रीचेज में स्नोफॉल भी इस दौरान थोड़ा बहुत मिलता है, तो वो सबसे कम ओवरऑल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट मानसून सीजन में सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हमारे को मानसून में मिलती है, फिर सेकेंड मैक्सिमा अगर देखेंगे तो प्री मानसून सीजन है या जो समर सीजन है वो उसमें रहता है, उसके बाद तो उससे भी कम जो है आपके विंटर सीजन है, और सबसे लास्ट हमारा पोस्ट मानसून सीजन है, इसमें सबसे कम नॉर्मल अगर रेन की बात करते हैं। लेकिन उस नॉर्मल से भी जैसे मैंने बोला 52% जो है वो कमी हमको इस बार भी देखने को मिली है इसमें रही है सीजन में। और जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी मिली है वो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के उनमें रही है, जो प्लेन्स वाले है या उनसे लगे डिस्ट्रिक्ट उनमें तो और भी जो है। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जिले में बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 10 तारीख तक स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर अपने चरम पर है और सुबह पारा 5 डिग्री तक गिर रहा है और सुबह के समय घना कोहरा होने की वजह से जीरो विजिबिलिटी की दिक्कतें सामने आ रही है और वहीं मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश के आदेश जारी कर, जबकि स्कूलों में अन्य प्रशासनिक कार्य जारी रहेंगे। स्कूल कॉलेज में शीतलहर को भी देखते हुए है और ये देखा जा रहा है कि माने जो भी स्कूल कॉलेज हैं उनमें हम लोगों ने छुट्टियां दी नहीं है इस साल, तो उसके लिए हम लोगों ने 10 तारीख को चुना है, उसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। तो उसके बावजूद भी कई स्कूल अभी नहीं खुलेंगे, उसको सुनिश्चित कराए।
हल्द्वानी में कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने आज बन भूलपुरा क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथीन की एक गोदाम में छापेमारी की है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट रीचा सिंह भी मौजूद रही। यह कार्रवाई ख्वाजा मस्जिद के पास किदवई नगर में की गई, जहां पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ी गई है। इस दौरान कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत कार्रवाई में जुटे हुए हैं। उनके द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि शहर में किसी भी तरह से प्रतिबंधित पॉलीथीन की बिक्री ना की जाए, जो भी उसका इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। जहां भी ऐसे गोदाम पाए जाते हैं उन पर छापेमारी की जाए। बनभूलपुरा के इस इलाके में प्रतिबंधित पॉलीथीन जो है, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक है, कैरी बैग्स हैं, जिनको भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के अलग अलग आदेशों में एनजीटी के द्वारा उनको बैन किया गया है। और ये बताने की अब कोई आवश्यकता भी नहीं है कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम हमारे एनवायरनमेंट के, सभी जानते हैं। बहुत समय से नगर निगम ने इसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी किया और सभी को वार्निंग्स भी दी इसको रोकने, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर बहुत सजग रहते हैं और समय समय पर जब समीक्षाएं होती हैं तो उसको बात को पूछा जाता है। इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत नुकसान हो रहे हैं, नदी नाले चोक हो रहे हैं, मवेशी इसको कई बार खा लेते हैं, उसकी डेथ्स हो जाती हैं। हाईकोर्ट तो इसमें बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे गोदाम ऑपरेट हो रहा है, इस बीच डायरेक्शंस जीएसटी को भी हुए थे कि वो रस्ते में जिन गाड़ियों से माल आ रहा है उनको चेक करें। हर महीने 3-4 लाख के फाइंस वहाँ से भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आ रहा है। उधम सिंह नगर में इससे पहले 5-6 फैक्ट्रीज को भी सीज किया गया जो इनका उत्पादन कर रहे थे, लेकिन आज पाया गया कि यहाँ पे और इस तरह का उत्पादन जो उधम सिंह नगर की कुछ फैक्ट्रीज से आ रहा है वो यहाँ पे प्रतिबंधित था और यहाँ पे मिला। इन सबको सील किया गया, इस गोदाम को भी अभी सारे सामान को नगर निगम जब्त कर लेगी, जो फाइन है वो इस पर लगाया जाएगा। और आप लोग के माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूँ सभी को कि ये हम सबकी भलाई में है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का हम उपयोग ना करें, कैरी बैग्स का उपयोग ना करें, झोला लेके चलें, और आपकी जो हमारी जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति। नगर क्षेत्र में बढ़ते चोरियों के ग्राफ को देखते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर क्षेत्र में चोरियों को लेकर संदिग्ध लोगों के अपर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही थी। इसी क्रम में बीती 28 दिसंबर को गिरिताल निवासी रंजीत सिंह की गैर मौजूदगी में अज्ञात चोर घर में घुसकर नकदी जेवरात और LED समेत घर का कीमती सामान चोरी कर ले गए। इसी के साथ ही बीती 26 दिसंबर को पशुपति विहार कॉलोनी निवासी हरीश चंद्र के घर में अज्ञात चोर घर में घुसकर स्कूटी और घर का घरेलू सामान चोरी कर ले गए। दोनों चोरियों की पुलिस द्वारा छानबीन कर CCTV कैमरा का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही दो चोरों को पुलिस ने CCTV कैमरा की मदद से देखा और सुरागशी करते हुए पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर अलीगंज तिराहे और मानपुर रोड से बिना नंबर की स्कूटी सहित अभियुक्त शादाद उर्फ मुन्ना निवासी नई बस्ती मुंडो के पास ठाकुर द्वारा मुर्दाबाद तथा दूसरा आसिफ निवासी अप्रोक्त को गिरफ्तार कर चोरी की गई स्कूटी LED और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। थाना क्षेत्र में दो परिवारों में चोरी हुई थी, जब दोनों परिवार बाहर थे तो इसमें दोनों एक घर से कुछ जेवरात और स्कूटी और दूसरे घर से LCD और कुछ जेवरात गए थे। इस पर हम लोगों ने थाना स्तर पर टीम बनाकर जिसमें SI जितेंद्र कुमार और SI सोमवीर सिंह, इन दोनों के लीडिंग में हमने एक टीम, दो टीमों का गठन किया और इसमें हम लोगों ने कुछ लोकल SPO से भी मदद ली थी और सर्विलांस वगैरह से चेक करते हुए हमने ट्रेस किया इन चोरों को। और इसमें ये प्रकाश में आया कि दो संदिग्ध लड़के हैं, शादा और आसिफ, जो दोनों ही ठाकुर द्वारा मुरादाबाद के रहने वाले हैं और इनके द्वारा ये दोनों घटनाक्रम किए गए हैं। और इसमें जब दोनों को हमने अरेस्ट किया है और इनसे जब पत्ती से पूछताछ की गई है तो इनके पास से सभी चोरी किया हुआ सामान बरामद हुआ है 100%। इसी के साथ इसमें जो एक अभियुक्त रहा है ये पूर्व में यहाँ काशीपुर में ही रहता था, अपने बहन और जीजा के परिवार में यहाँ आकर रहता था, इसीलिए काशीपुर से पूरी तरह से ये भिगे था और ये इसीलिए अलग अलग कॉलोनियों में जाकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को रायवाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का एक साथी अभी फरार है।
रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इस साल के दिन खानगांव में लगे मोबाइल टावर से बैटरी चोरी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर चोर की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए। आज उप निरीक्षक विनेश कुमार की टीम ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान दीपक चंद्र हटवाल निवासी चमोली के रूप में हुई है, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और वर्तमान में एक होटल में वेटर का काम कर रहा था। पूछताछ में दीपक ने बताया कि उसने अपने दोस्त लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल के साथ मिलकर टावर की बैटरी चोरी की है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 24 बैटरी और टावर से बैटरी खोलने के उपकरण बरामद किए गए हैं। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। खबर पौड़ी से है, जहां पत्रकार आशुतोष नेगी ने बताया कि वे लंबे समय से शिक्षा विभाग के काले कारनामों को लगातार उजागर करने का काम कर रहे थे, जिसके चलते जनपद के पूर्व शिक्षा अधिकारी रहे दो अधिकारियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया था। उन्होंने बताया कि इसका नतीजा उन्हें SEC/ST एक्ट के तहत मुकदमे के तौर पर भुगतान पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश में पौड़ी निवासी एक व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर झूठा SST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो निराधार है। उन्होंने बताया कि उनके साथ ही उनके तीन अन्य साथियों पर भी SEC/ST एक्ट का मुकदमा जनपद पौड़ी पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में CO सदर श्याम दत्त नोटियाल ने बताया कि 1.5 साल पूर्व शिकायतकर्ता राजा कोहली द्वारा लिखित में शिकायत दी गई थी कि उनके ऊपर 3 से 4 लोगों द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। उन्होंने एक आदमी प्लांट किया हुआ है वहां पे, राजेश सिंह राजा कोहली। ये अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और ये एक फर्जी कंप्लेंट मेरे खिलाफ दर्ज कराना चाहता था, और फर्जी कंप्लेंट ये पहले भी कई लोगों के खिलाफ दर्ज करा चुका है और कई लोगों को ये फंसा भी चुका है, और इसकी ये आदत है, और ये कोई इसका रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। ये पिछले 2 साल से फेसबुक पर मेरे खिलाफ अनर्गल बातें, मेरे परिवार के खिलाफ अनर्गल बातें, मेरे मित्रों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां, मेरे परिवार, मेरे स्वर्गीय पिताजी, मेरी पत्नी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां करता रहा, जिसकी मैंने एक FIR कंप्लेंट भी थाना पौड़ी में दी थी, जिस पर एज यूजुअल पौड़ी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये एक दिन के लिए SSP ऑफिस के पास वहाँ धरने पे भी बैठा, और कल ये पता चला है कि कल जो है एक FIR जो मेरे खिलाफ, ये चाह रहा था कि एक फर्जी मुकदमा मेरे खिलाफ कायम हो जाए, एक SC/ST का मुकदमा कि मैंने उस व्यक्ति के लिए अनुसूचित जाति के शब्दों का प्रयोग किया इस तरह की।